कोर्स का मैं स्वागत करती हूँ. आज हमारे साथ सुमित गुप्ता हैं, जियांगसू मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट. चलिए हम सुमित गुप्ता से ही बात करते हैं कि उनके पास क्या है हमारे साथ शेयर करने के लिए. वेलकम सुमित. वेलकम. आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को. माय नेम इज सुमित, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान. आई एम फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट जियांगसू मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना. ओके सुमित, हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? आपने कैसे स्टार्ट किया, यूनिवर्सिटी चूज करना है, कैसे अपना जर्नी स्टार्ट किया? पहले मैंने कंसल्टेंसी के लिए ढूंढा इधर उधर, गूगल पे बहुत ज़्यादा मैंने सर्च किया. तो मैंने जब भी मल के लिए पढ़ा तो फिर उनके रिव्यू मैंने सुने, और मेरी एक कज़न सिस्टर है उन्होंने भी जग विमल से एडमिशन लिया है. उन्होंने भी बोला कि अच्छा है, ट्रस्ट कर सकते हैं उनके ऊपर. और फिर मैंने सोचा था कि जयपुर के अंदर जो मिलेगा ना मैं उस पर जाऊँगा. ओके. फिर जग विमल मेरे को बेस्ट लगा. ओके. आपने एक साल ड्रॉप किया है, सो क्या सजेस्ट करते हैं आपको, ड्रॉप करना बेटर ऑप्शन है या राइट आफ्टर 12th एडमिशन लेना? अगर 11th 12th में आपने कोचिंग की है और आपका स्कोर अबव 450 है तो आप कर सकते हैं ड्रॉप, और उससे कम है तो मेरे को नहीं लगता कोई उसका फर्क पड़ेगा या फिर कुछ है उसका. ओके. हमारे व्यूअर्स को कुछ जियांगसू यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं. जियांगसू यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत बड़ा है और ग्रीनरी है हर जगह पे. मतलब इंडिया में तो ऐसा मेरे को लगता नहीं कोई कैंपस होगा. और हर जगह पे छोटे छोटे पॉन्ड्स वगैरह बन रहे हैं. ये सब क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है आपकी यूनिवर्सिटी में? फैसिलिटीज लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्विमिंग पूल वगैरह है, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और ये सब है. बाकी कैंटीन है 4-5. ओके. इंडियन फूड सर्व होता है कैंटीन में? मिल जाता है. मतलब इंडियन फूड में जैसे राइस वगैरह मिल जाएंगे, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह मिल जाएगी. आपने बताया कि आपका यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत बड़ा है, क्या क्या एरियाज एक्सप्लोर कर लिया आपने? अभी मैंने कुछ किया नहीं है कुछ ज्यादा. इट्स बीन 6 months. Yes. So 6 months में आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए? ज्यादा कुछ नहीं कर पाया. स्टडीज का प्रेशर ज्यादा है? स्टडी का ही प्रेशर था. फिर स्टार्टिंग में गए थे, खुद के भी बहुत सारे काम होते हैं. ओके. सो जाने से पहले, क्योंकि आपने एक साल ड्रॉप किया था तो बहुत सारे आप कंसल्टेंट्स को मिले होंगे, बात हुई होगी या कॉल्स और मैसेजेस आए होंगे, सो आपने जगविमल कंसल्टेंट्स को चूज़ करते टाइम क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करे थे? जैसे कि मतलब मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट्स के पास मैं गया था. ओके. पर मेरे को वेद सर का जो बोलने का तरीका है वो ज़्यादा अच्छा लगा औरों के कंपेरिजन में. और उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात की है. यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे भी ऑप्शंस आपको मिले होंगे. हाँ, मिले. तो आपने फिर जियांगसू यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज किया? उन्होंने कुछ स्टूडेंट के नंबर वगैरह दिए थे तो उनसे हमारी बात हुई. उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं. तो इसकी वजह. आपकी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का प्रोविजन है? यह स्कॉलरशिप मिलती है. एक तो नीट के स्कोर पे बेसिस पे मिलती है. ओके. और बाकी जो है आप पढ़ाई के बेसिस पे भी है. तो 3000 1500 की भी है और 500 युआन तक की स्कॉलरशिप है. ओके. ये आप युआन में बताया है आपने, सो दैट मींस इंडियन करेंसी में अराउंड 30,000 तो है फर्स्ट क्लास स्कॉलरशिप. सेकंड क्लास स्कॉलरशिप आ जाएगी 15,000 के आसपास और 5,000 के आसपास थर्ड क्लास स्कॉलरशिप. ओके. आप जाने से पहले जब आप यहाँ फ्लाई कर रहे थे तो क्या आपका स्टूडेंट से पहले ही कॉन्टैक्ट हो गया था या वहाँ जाकर ही सब स्टूडेंट से मिले? नहीं, यहाँ पे भी बात हुई थी मेरी स्टूडेंट से फोन वगैरह पे और वहाँ पे भी मिल गए थे. सीनियर बहुत अच्छे, हेल्पफुल है सबका, मतलब नेचर वगैरह जो है. कंट्री कैसा लगा आपको? कंट्री बहुत अच्छा है, मतलब इंडिया से तो सेफेस्ट है ही वो. यहाँ जाने से पहले आपने बहुत रिसर्च किया होगा यूनिवर्सिटी के बारे में, कंट्री के बारे में, और वहाँ जाकर आपने एक्चुअल देखा होगा, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब मैंने जितना सोचा था ना उससे ज़्यादा ही दिखा है. कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को कि क्या क्या एक्स्ट्रा देखने को मिला या क्या नया था, एक्सपीरियंस कैसा था, इलैबोरेट करेंगे थोड़ा सा? मतलब इंडिया के मतलब ट्रैफिक रूल्स वगैरह भी देख लो, वहाँ के ट्रैफिक रूल्स वगैरह भी अच्छे हैं. और बाकी मॉल वगैरह है बहुत सारे हैं वहाँ पे, तो ऐसी कोई दिक्कत आती भी नहीं है. सेफ्टी सिक्योरिटी सेफ्टी वगैरह से भी बहुत अच्छा है. आपकी यूनिवर्सिटी में वहाँ पर भी पेट्रोलिंग चलती रहती है? यस यस यस. तो वहाँ पर क्या सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेजर्स हैं? सिक्योरिटी के लिए मतलब घूमते रहते हैं वहाँ पे, जैसे शिफू वगैरह बोलते हैं हम उन्हें. okay. तो वो घूमते रहते हैं इधर उधर. बाकी एंटी रैगिंग कैंपस है ही. ओके. आपके अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें या हॉस्टल्स की बात करें, हॉस्टल्स कैसे प्रोवाइडेड हैं आपको? हॉस्टल डबल रूम वाले हैं, मतलब टू रूम शेयरिंग है. और बाकी उसके अंदर अटैच बाथरूम है, किचन वगैरह है, हर फ्लोर पे किचन है. ओके. सो आप अपना खाना खुद बनाते हैं? yes. और उसके अलावा क्या क्या एमिनिटीज दे रखी हैं आपको हॉस्टल्स में?
उसके अलावा मतलब वॉशिंग मशीन वगैरह लॉन्ड्री के लिए है सब, तो ड्रायर भी है वहाँ पे, उनका चार्ज है पर अलग से, तो वो कुछ चार्ज भी कुछ ज़्यादा है नहीं। मतलब कितना है नॉमिनल से चार्ज? नॉमिनल मतलब 30 रुपये है कम से कम, 20 मतलब कपड़े धुल जाते हैं कम से कम 10-15 कपड़े। ये आप इंडियन करेंसी में बता रहे हैं। कितना फ्रीक्वेंटली आपको वॉशिंग मशीन यूज़ करना पड़ता है? 10 दिन में एक बार। ओके, सो देन इट इज़ वेरी नॉमिनल। वहाँ पर आपको लोग कैसे लगे? लोग मैम वो उनका भी नेचर बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है वो लोग, उनसे कुछ पूछते हैं तो वो समझाने की कोशिश करते हैं। हम जब स्टार्टिंग में यहाँ से गए थे ना, तो हमें वहाँ पे एक लोकल स्टूडेंट मिला, हमने उसे रास्ता पूछा, हमें ओईसी की ऑफिस जाना था, तो उसने हमें बता दिया था रास्ता। ओईसी मतलब वहाँ पर ओवरसीज एजुकेशन कॉलेज वाला जो उनका ऑफिस है, तो उसने हमें रास्ता बता दिया, तो चला गया। फिर वो वापस से हमें मिलने आया हमारे पास कि तुम नहीं जा पाओगे, हमने बोला हम चल जाएंगे, पर वो वापस से आया और वो हमें छोड़ कर आया वहाँ तक, वो कहीं और जा रहा था। मेरे को तो ये लगता है वहाँ के लोग भी हेल्पफुल है। लैंग्वेज के बारे में आपका? लैंग्वेज बैरियर आता है हल्का बहुत, पर हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा लगता है, हल्की बहुत चाइनीज आ जाएगी तो हो जाएगा। सो यू हैव स्टार्टेड लर्निंग चाइनीज, ग्रेट। हाउ अबाउट अगर हम बात करते हैं कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 जगमल कंसल्टेंट्स को रेट करना हो तो आप क्या रेट करेंगे? मेरे हिसाब से 10, उन्होंने जो बोला है मेरे को वो मिला है। ओके, आने वाले स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छी है ये कंसल्टेंसी, आप इनसे एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आने वाले स्टूडेंट्स जो मतलब आने वाले एज इन जो आप चाइना आएंगे आपके पास, तो उनको आप क्या क्या रिकमेंड करेंगे, क्या चीज़ें उनको लेकर आना है, किस हिसाब से प्रिपेयर होकर आना है? मतलब मेन तो यही है फर्स्ट ईयर में तो चाइनीज लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करने का है, और कुछ है नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।